शिवपाल यादव के आवास के मामले पर बोले हैं डिप्टी सीएम, इन कामों के लिए अलग अलग एजेंसियां काम करती हैं। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं हमारे पास इस तरह की कोई पत्रावली नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं। सुरक्षा पहले कम की गई, उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी, अब उनका आवाज भी निरस्त कराने के इसके लिए देखिए ये विभिन्न एजेंसियां इसके लिए काम करती हैं और वो बता पाएंगी क्या स्थिति है। हमारे पास अभी इस प्रकार की कोई पत्रावली नहीं है, लेकिन इसमें जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, वो अच्छी बेहतर बता सकती हैं। मैनपुरी में प्रचार कर रहे हैं कहीं उसके पीछे ये वजह तो नहीं, हमें नहीं लगता। ये लोकतांत्रिक प्रणाली है, इसमें हम सब लोग मिल करके जन जन तक जा रहे हैं और जनता का भरोसा बीजेपी पर है। पाल सिंह यादव के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही है वो नियमों के तहत हो रही है, जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं और जो नियम हैं उनके मुताबिक कार्रवाई हो रही है। कैमरा सिंह प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। शिवपाल सिंह यादव को मिले बंगले पर संकट के बादल हैं। लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर मिला है शिवपाल को बंगला, विधायक के तौर पर आवंटित सरकारी आवास में बसपा का कार्यालय। शिवपाल सिंह यादव के आवास का आवंटन निरस्त करने पर विचार किया जा रहा है। प्रसपा के कई पदाधिकारियों की सुरक्षा भी अब वापस लेने की तैयारी है। आइए इस बात को और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं और आपको सीधा लखनऊ ही लिए चलते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे वहां पर हो रही तमाम राजनीतिक गतिविधियों पर अपनी पैनी और गहरी निगाह रखे हुए हैं। वीरेश, पहले शिवपाल यादव की सुरक्षा की श्रेणी घटा के जेड से वाई कर दी गई, फिर हमने देखा कि कैसे सिंचाई विभाग के मंत्री रहे थे तो उसकी वजह से सीबीआई उनके रिकॉर्ड खंगालने के लिए परमिशन मांग रही है, अब बंगले पर संकट, ताजा जानकारियां आपके पास और क्या है? देखिए, बंगले पर संकट इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये टाइप 6 का बंगला है और जब अलॉट किया गया 2018 में प्रसपा के गठन के बाद से शिवपाल यादव को, तो ये तर्क सरकार की तरफ से, राज्य संपत्ति विभाग की तरफ से दिया गया था कि वो वरिष्ठतम विधायक हैं, इस लिहाज से ये बंगला उन्हें दिया जा सकता है। ये बंगला मायावती के नाम पर अलॉट था, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के नाम पर जब अलॉट था, जब कोर्ट के आदेश के बाद से राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और मायावती के बंगले को छीना गया, यानी टाइप 6 के बंगले को पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर उन लोगों से लिया गया, तो ये बंगला भी मायावती को छोड़ना पड़ा और ये बंगला काफ़ी बड़ा है, टाइप 6 है। और ऐसे में शिवपाल यादव ने जब अपने भतीजे और समाजवादी पार्टी से बगावत की, प्रसपा का गठन किया 18 में, उसके बाद से ये बंगला जो है शिवपाल यादव को आवंटित किया गया। आरोप ये लगाया गया शिवपाल यादव पर कि वो भारतीय जनता पार्टी से मिल गए हैं और उन्हें लाभान्वित किया गया है, सरकार के ऊपर भी आरोप लगाया गया और एक जनहित याचिका इस बंगले के खिलाफ एक वकील साहब ने दायर कर दी और दायर कर दी, कहा कि भाई शिवपाल यादव को ये बंगला कैसे मिल सकता है। तो स्वयं राज्य संपत्ति विभाग ने कोर्ट में हलफनामा दिया कि वो वरिष्ठतम विधायक हैं, इसलिए उन्हें ये बंगला आवंटित किया जाता है। तो ऐसे में ये सवाल है और प्रसपा के तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर सरकार की तरफ से ये छेड़छाड़ किया गया और राज्य संपत्ति विभाग ये बंगले के खिलाफ अगर कोई भी हरकत करती है तो कोर्ट में हम खुद दरवाजा खटखटाएंगे और कहेंगे कि किस बिना पर राज्य संपत्ति विभाग ने यह कहा था कि वो वरिष्ठतम विधायक हैं और ऐसे में वीरेश आपने अपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, राज्य संपत्ति बंगले से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी हैं इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमें कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य इससे जुड़े बताने हैं वीरेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।